स्वागत है आपका HYD TV के प्राइम टाइम में। मैं हूं फरहाद। सबसे पहले प्राइम टाइम में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में होगी नीति आयोग की अहम बैठक, जगन और KCR होंगे शरीक। पहली मीटिंग में KCR की उपस्थिति पर है संदेह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस, बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद से महिलाओं के लापता होने की अफवाह में तेजी, पुलिस ने फर्जी खबर फैलाने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया दावा, कहा भाजपा ने अधिकांश ईवीएम में अपने हिसाब से की थी प्रोग्रामिंग। और सऊदी अरब में हलाल नाइट क्लब खोले जाने की खबरें हुई वायरल, सऊदी की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने ऐसी खबरों का किया खंडन। और अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार नीति आयोग की पहली मीटिंग में मुख्यमंत्री KCR भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो नए म्यूनिसिपल एक्ट के लिए लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर YSR कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय साई रेड्डी ने मीडिया को बताया है कि मुख्यमंत्री YS जगन आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा, विभाजन के दौरान दिए गए आश्वासनों की अमल आवरी और प्रदेश से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर सांसदों से वो बात करेंगे। इसके अलावा 15 जून को आयोजित होने वाली नीति आयोग की बैठक में दोनों मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण भेजा है। इसी के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। NDA सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद नीति आयोग की ये पहली बैठक है। इस नीति आयोग की बैठक पर सभी मुख्यमंत्रियों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी को किसी अज्ञात व्यक्ति धमकी भरे फोन कॉल्स करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में किशन रेड्डी की शिकायत पर साइबर क्राइम के अंतर्गत पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गत महीने की 20 तारीख को भी इंटरनेट के द्वारा वॉइस कॉल पर उन्हें धमकियां मिली थी। इन बातों को ध्यान में रखकर किशन रेड्डी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर बात पर निगाह रखी जा रही है। GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने आज हैदराबाद के पुराने शहर का दौरा करते हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पुराने शहर के इस दौरे के दौरान GHMC कमिश्नर दाना किशोर के साथ हैदराबाद के MP असद ओवैसी, चार मीनार के विधायक मुमताज अहमद खान, कारपोरेटर्स व अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरे में खासकर बरसात के मौसम में जनता की राहत के लिए किए जाने वाले कामों तथा बारिश की निकासी के लिए किए जाने वाले कामों का निरीक्षण किया गया। GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने बाद में अधिकारियों को इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए। मेडचल में कलेक्टर MV रेड्डी ने एक कार्यक्रम में भाग लिया जो स्कूल के छात्रों के लिए विशेष रखा गया था। इस कार्यक्रम में कलेक्टर MV रेड्डी समेत लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और अन्य सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ इन तमाम अतिथियों ने खाना भी खाया। कार्यक्रम के अंत में लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और कलेक्टर MV रेड्डी ने भाषण भी दिया है। ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా విచ్చేసిన 10x10 నుంచి తల్లిదండ్రులతో పాటు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు. అంతేగాక మరి జిల్లాలో
ఏడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇంతకుముందే మన డిఈఓమ్మ చెప్పింది. ఇంతకుముందు ఒక పాఠశాల 10/10 వచ్చేదే అందరూ 100% సాధించేదే గగనమైతే ఈసారి ఏడు పాఠశాలలు 100% సాధించిన మరి ఆ స్కూళ్ళ హెడ్ మాస్టర్లు ఉపాధ్యాయులు ఆ మండలాలకు సంబంధించిన ఎంఈఓలు. वर्ष 2017 के मौलाना आज़ाद और मखदूम अवार्ड्स के लिए नामों का चयन कर लिया गया है, जिसके बारे में उर्दू अकादमी के चेयरमैन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने अन्य जानकारी दी है. तेलंगाना स्टेट उर्दू अकादमी की जानिब से कल बतारीख 13 जून को अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड के सिलसिले में जो मीटिंग थी वो 11 बजे रखी गई और उसमें प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस और प्रोफेसर जो है शौकत हयात ने जो है शिरकत की. इस मीटिंग में हमारे अखिल हाशमी साहब को नहीं बुलाया गया और मखदूम अवार्ड के सिलसिले में उनको नहीं बुलाया गया. 11 बजे जो मीटिंग रखी गई थी उसमें जो है हमारे जजेस साहबान ने मखदूम अवार्ड के सिलसिले में जिन लोगों का इंतखाब किया, जजेस में जो थे वो प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस और प्रोफेसर शौकत हयात ने जो है शिरकत फरमाई. और उसमें जो जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर जो लोगों का इंतखाब किया उसमें हमारे यहाँ के बहुत ही काबिल तरीन जो है दानिश्वर थे, मुत्तफ़िका तौर पर उनका इंतखाब किया गया. उसमें जो है हमारे हबीब ज़िया का इंतखाब किया गया तहकीक और तनकीद के लिए, शायरी और अदब के लिए जो है हमारे अखिल हाशमी साहब का इंतखाब किया गया, और फिक्शन के लिए मज़हरुज़्ज़मान जो यहाँ न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में. पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद से महिलाओं के अचानक लापता होने की खबरें तेजी से फैल रही हैं, जबकि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस खबर को फेक और अफवाह करार देते हुए चेताया भी था कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग नहीं माने और ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे. इसी संबंध में हैदराबाद पुलिस ने 3 लोगों को कथित तौर पर गायब महिलाओं पर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में जी वेंकट, क्रांति किरण और बलराजू शामिल है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं के अपहरण के फर्जी संदेश साझा किए. ये खबर जंगल की आग की तरह शहर भर में फैली हुई है, जिससे जनता में दहशत पैदा हो गई है. पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और ऐसे पोस्ट भेजने वालों को गिरफ्तार किया. पोस्ट में कहा गया था कि हैदराबाद में लापता शिकायतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. तेलंगाना में लगभग 82 लोग शनिवार को 24 घंटे के भीतर लापता हो गए हैं. मीडिया से बात करते हुए संयुक्त आयुक्त अविनाश महंती ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने बिना पुष्टि किए फेसबुक और यूट्यूब पर यह खबर साझा की थी. AIMIM के वरिष्ठ नेता और चंद्रायन गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए हैदराबाद के अलावा देश विदेश में दुआएं की जा रही है. इसी संबंध में जिला नारायणपेट की दरगाह हजरत सैयद शाह तकी बाबा और हजरत दादे शाह पीर में संयुक्त तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द सेहत याबी की कामना करते हुए दुआएं की गई. इस अवसर पर AIMIM नारायणपेट की अध्यक्ष अलहाज गुलाम मोहियुद्दीन चांद, अब्दुल कादर जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद तकी वार्ड नंबर 18 के कौंसलर शाहबुद्दीन चांद, उलमाए दीन और नारायणपेट के मजलिसी कार्यकर्ता की बड़ी संख्या उपस्थित थी. मौला जिसका जिद अदीम का जिद अदीम हकी को मौला तू ने मुसलमानों का कायद बनाया है. मौला मेरी मौला जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तहदियाबी की दुआ के लिए मौला इंतजा के लिए मौला तेरी बारगाह में हाजिर होकर तेरे बंदे की बारगाह में ठहर कर तेरी बारगाह में मौला कर रहे हैं. मौला हमारे फरमा मौला मौला हमारे अदीम कायद को मुकम्मल तौर पर सहदियाबी अता फरमा मौला. हर बीमारी थे उनको शिफायाबी अता फरमा मौला. हर बीमारी थे उनके हम काम तमाम पर बाकी रहे मौला. इसी खानदान मौला जिस तरह से मुसलमानों का हमदर्द है मौला, इसी तरह से उनको हमदर्द बने रहने दे मौला. मौलाए कायनात इनके तमाम खानदान वालों की मुकम्मल तौर पर सहदियाबी अता फरमा मौला. जो कुछ भी बीमारी उनको लाहक है मौला.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है कि भाजपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकांश ईवीएम में पहले से ही अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग की थी। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से सच उजागर करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने का अनुरोध किया। ममता ने कहा, हम कांग्रेस से इस बारे में बात कर चुके हैं, जरूरत पड़ी तो हम अदालत जाएंगे और इस चुनावी धांधली को चुनौती देंगे। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि भाजपा के नेता चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही लगभग वास्तविक आंकड़ों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। वे कैसे कह रहे थे कि देश में उन्हें 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बंगाल में 23। अंतिम परिणाम उनके आकलन के करीब ही थे। बनर्जी ने एक बंगला समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में ये दावा किया। बनर्जी ने वाम दलों के समर्थकों से भी भाजपा में शामिल होने से बचने को कहा। सोशल मीडिया व अन्य न्यूज वेबसाइट पर सऊदी अरब में हलाल नाइट क्लब खोले जाने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मक्का मदीना से करीब जेद्दा में खोले जा रहे इस क्लब का नाम हलाल नाइट क्लब है। अल जजीरा में आई खबर के अनुसार सऊदी अरबिया की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि उनकी ओर से अभी तक जेद्दा में हलाल नाइट क्लब खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अथॉरिटी ने आगे कहा है कि वह ऐसी खबरों और इस संबंध में वायरल हो रहे वीडियोस की जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए वीडियोस पर अथॉरिटी ने कहा है कि ये वीडियो बैरूत या दुबई के किसी हलाल नाइट क्लब की है जो सर्कुलेट की जा रही है। इससे पहले सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई है कि इस्लामी आहार कानून के तहत ऐसे नाइट क्लब में शराब सर्व नहीं की जाएगी। ट्विटर पर अब भी लोग हलाल डिस्को या फिर हलाल नाइट क्लब का नाम देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में गोलीबारी कर 51 लोगों की हत्या करने के आरोपी ने कहा है कि वो लोगों की हत्या करने और आतंकवाद संबंधी आरोपों का दोषी नहीं है। आरोपी ब्रेंटन टैरेंट ने क्राइस्टचर्च उच्च न्यायालय में ऑकलैंड की अत्यधिक सुरक्षा वाली जेल से ऑडियो विजुअल लिंक के माध्यम से वो पेश हुआ। सफेद नस्ल को सर्वोच्च समझने वाले टैरेंट पर हत्या के 51, हत्या की कोशिश के 40 और आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के मामले में आरोप लगाए गए हैं। ये हमले 15 मार्च को किए गए थे। सुनवाई के दौरान टैरेंट को कई बार कुटिल मुस्कान के साथ देखा गया। वहीं हमले में टैरेंट को सामना करने वाले अब्दुल अजीज ने कहा, ये दुख की बात है कि कोई इतना भी बेदर्द हो सकता है और मासूमों की जान ले सकता है। प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। आप सबके लिए फिर एक विनंती है कि हर छोटी और बड़ी खबर की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। देखते रहिए HYD TV।